दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम मिस्टर जिम कॉर्बेट जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने 33 आदमखोर मारे थे, जिसमें से 19 टाइगर थे। लेकिन उन 19 में से एक टाइगर था जो आदमखोर नहीं था, वो निर्दोष था। उसका केवल एक कसूर था कि वो बहुत विशालकाय और असामान्य रूप से बड़ा टाइगर था। बस इसी कसूर ने उसकी जान ले ली। और जिम कॉर्बेट जी, जिन्होंने सन 1920 के आखिर में कसम खाई थी कि वो टाइगर का शिकार नहीं करेंगे, सिर्फ आदमखोर ही मारेंगे, कसम खाने के 10 साल बाद यानी 1930 में कॉर्बेट ने अपनी कसम तोड़ दी, क्योंकि उस समय ट्रॉफी हंटिंग की जाती थी, यानी शिकार किया गया जानवर ट्रॉफी की तरह से ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाता था। सारे रसूख वाले ट्रॉफी हंटर्स बैचलर ऑफ पवलगढ़ को हासिल करना चाहते थे, जिंदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुर्दा। उसके विशाल आकार के बारे में सुन के कॉर्बेट ने भी अपनी कसम तोड़ दी और वो निर्दोष कुवारा ही मारा गया। अगर उसे अपना घर बसाने का मौका मिलता तो शायद आज हम कह सकते थे कि सबसे बड़ा टाइगर साइबेरियन टाइगर नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर होता है। आइए आपको बताता हूं कैसे वो विशालकाय निर्दोष टाइगर मारा गया। बैचलर ऑफ पवलगढ़ एक असामान्य रूप से बड़ा टाइगर था, जिसका साइज था 10 फीट 7 इंचेस। सन 1920 से 1930 के बीच में, जिस समय रसूख वाले लोग ट्रॉफी हंटिंग करते थे, यानी शेर को मारकर उसके शरीर या सिर को अपने ड्राइंग रूम में ट्रॉफी की तरह सजाते थे, उस समय इस टाइगर को मारना हर ट्रॉफी हंटर का सपना था। लेकिन वो था बैचलर ऑफ पवलगढ़। उसको मारने जाने के लिए फौलाद की औलाद होना जरूरी था, इसलिए वो पवलगढ़ के जंगल में राज करता रहा। कॉर्बेट ने बैचलर को पहली बार 1923 में देखा था और 3 साल पहले निर्दोष टाइगर को ना मारने की कसम भूल गए। उस समय ब्रिटिश सरकार का नियम था, दिन में शिकार करो लेकिन रात में ना करो। दिन में बैचलर आराम करता था और रात में शिकार, इसलिए वो शिकारियों से बचा हुआ था। कॉर्बेट जो ब्रिटिश आर्मी के कर्नल थे, उन्होंने कमिश्नर वाइंडम को साथ लिया, क्योंकि ये माना जाता था कि जितना वाइंडम टाइगर्स के बारे में जानते हैं, उतना तो टाइगर खुद भी नहीं जानता अपने बारे में। टाइगर का एक पगमार्क मिला, नापा गया और विंडम ने बताया कि यह टाइगर करीब 10 फीट 5 इंच का होगा। बैचलर ऑफ पवलगढ़ न सिर्फ विशालकाय था बल्कि चतुर भी था और किस्मत का भी धनी था। 2 बार उसका शिकारियों से नजदीकी से सामना हो चुका था, लेकिन दोनों बार उसकी किस्मत ने साथ दी। शिकारी एंडरसन से सामना हुआ तो एंडरसन की बंदूक कहीं उलझ गई, और जब तक बंदूक निकली, चतुर बैचलर गायब हो चुका था। एंडरसन ने उसको नजदीक से देखा था और उसको घोड़े के आकार का बताया। दूसरे शिकारी एडी थे, उनका भी सामना हुआ नजदीक से, लेकिन जब बैचलर सामने आया तो एडी को उम्मीद नहीं थी और वो अपना पाइप भर रहे थे। चतुर बैचलर फिर गायब हो गया। एडी ने बताया कि बैचलर गधे के आकार का टाइगर है। एक चरवाहा जो पहले शिकारी था, जिसे बैचलर ने धमकाया था उसके जानवरों के शिकार के लिए, उसने बैचलर को ऊंट के आकार का बताया। जब 7 साल बाद कॉर्बेट ने बैचलर को मारा और उसका साइज नापा तो करीब वही साइज आया जो कमिश्नर ने बताया था। कमिश्नर ने 10 फीट 5 इंच बताया था और बैचलर था 10 फीट 7 इंच का। सन 1930 में एक डार्क रनर
जो कि पैदल डाक लेके जाता था, उसने बताया कि उसने बहुत बड़ा टाइगर का पगमार्क देखा है। इतना बड़ा पगमार्क उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगली सुबह कॉर्बेट अपने कुत्ते रॉबिन के साथ जंगल में निकल गए। रॉबिन ने टाइगर की स्मेल सूंघ ली और कॉर्बेट को बैचलर के काफी करीब पहुंचा दिया, लेकिन कॉर्बेट के पास प्रॉपर गन नहीं थी इतने बड़े टाइगर को मारने के लिए, और नाश्ते का टाइम भी हो गया। कॉर्बेट घर आए और नाश्ता किया और रॉबिन को घर पर छोड़कर वापस जंगल चले गए। इस बार उनके हाथ में थी .450 राइफल। जब वो जंगल पहुंचे तो जंगल में उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पास जाके उन्होंने देखा तो एक आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ था और अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर मार रहा था। वो टाइगर को डराना चाहता था। टाइगर उसकी भैंसों को मारने आया था, लेकिन इस आदमी को देखकर साइड में चला गया और ये आदमी पेड़ पर चढ़ गया। ये आदमी वही आदमी था जो पहले शिकारी था और जिसने टाइगर को ऊंट के आकार का बताया था। कॉर्बेट से उसने कहा कि आप आ गए इसलिए मेरी जान बच गई, लेकिन अब उस टाइगर की जान ना बचने पाए क्योंकि वो इतना बड़ा है कि मेरी एक भैंस को एक दिन में खा सकता है और वो मेरी 25 भैंसों को 25 दिन में साफ कर देगा। कॉर्बेट तो पहले से ही बैचलर को ढूंढ रहे थे .450 की राइफल को लेकर। अब कॉर्बेट प्लेन ग्रासलैंड में आ गए और उन्हें बैचलर की आवाज सुनाई दी। बैचलर अपनी महबूबा की तलाश में था और कॉर्बेट जानवरों की आवाज पहचानते थे और खुद भी जानवरों की आवाज निकाल लेते थे। उन्होंने भी वैसी ही आवाज निकाली। उधर से बैचलर ने जवाब दिया। उसे लगा कि अब इंतजार की घड़ी खत्म। उसे इंतजार था अपनी महबूबा से मिलने का, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मौत की आवाज है। लेकिन चतुर बैचलर दिल से मजबूर था और गलती कर बैठा। कॉर्बेट जमीन पर झाड़ियों के पास लेटकर अपनी पोजीशन ले चुके थे। अब उन्होंने फिर टाइगर्स की आवाज निकाली। करीब 100 मीटर दूर से बैचलर ने फिर जवाब दिया। कॉर्बेट रेडी थे और करीब 80 सेकंड बाद बैचलर का सर झाड़ियों से निकला। कॉर्बेट ने उसकी आंख के 1 इंच नीचे निशाना लगाकर गोली दाग दी। कॉर्बेट को लगा था कि टाइगर नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो बाहुबली बैचलर ऑफ पवलगढ़ था। उसने हवा में जंप लगाई और अपने पीछे के पेड़ को तहस नहस कर दिया। ये देखकर कॉर्बेट सहम गए। उन्होंने अपनी राइफल भी रीलोड नहीं की क्योंकि राइफल लोड करते समय जो हल्की सी आवाज होती वो आवाज बैचलर का ध्यान खींच लेती और उस वक्त बैचलर और मौत में कोई फर्क नहीं था। कॉर्बेट आधे घंटे तक बिना हिले डुले लेटे रहे, फिर लेटे लेटे ही पीछे सरके। जब टाइगर की गरज आनी बहुत कम हो गई तब कॉर्बेट अपने घर लौट गए। अगले दिन कॉर्बेट फिर से उस जगह पर टाइगर को ढूंढने गए। एक आदमी को पेड़ पर चढ़वाया ताकि वो दूर तक देख सके। उस आदमी ने देखा कि झाड़ियां गिरी हुई है, घास दबी हुई है, लेकिन टाइगर वहां नहीं था। पेड़ के पास कॉर्बेट ने खून के बहुत सारे छींटे देखे। दो जगह बहुत सारा खून था और एक हड्डी का टुकड़ा जो करीब 2 इंच का था, जो कि टाइगर की खोपड़ी का हिस्सा था। टाइगर बंदूक की आवाज सुनकर गुर्राता है, ये सोचकर कॉर्बेट ने कई फायर किए लेकिन कोई गुर्राहट नहीं सुनाई दी। अगले दिन उस भैंस चराने वाले ने बोला
कि टाइगर पक्का मर गया होगा। आप मेरी भैंसों की मदद लीजिए उसकी बॉडी ढूंढने के लिए, क्योंकि भैंस की सूंघने की शक्ति अच्छी होती है। जब कॉर्बेट उसकी भैंसों के साथ गए तो एक जगह घास काफी दबी हुई थी और वहां खून भी था। कॉर्बेट समझ गए कि जब वो हवा में गोली चला रहे थे तो बैचलर वहीं था, लेकिन गुर्राया नहीं, क्योंकि बैचलर बहुत चतुर था। अपनी महबूबा के चक्कर में एक बार बैचलर गलती कर बैठा था, लेकिन दोबारा वो मामला समझ गया था। कॉर्बेट ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि एक तरफ घायल टाइगर और एक तरफ भैंसों की भीड़। करीब 4 दिन तक कॉर्बेट घायल बैचलर को ढूंढते रहे, लेकिन बैचलर नहीं मिला। 4th दिन कॉर्बेट को एक सांबर की अलार्म कॉल सुनाई दी। सांबर की कॉल से अंदाजा लगाते हुए कॉर्बेट सेमल के पेड़ के पास पहुंचे, जो टाइगर्स का फेवरेट अड्डा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक पेड़ के पीछे उन्हें टाइगर दिखा, जिसका पूरा शरीर छुपा हुआ था, केवल पिछला पैर और पूंछ दिख रही थी, क्योंकि उस इलाके में एक और मेल टाइगर की मूवमेंट थी। इसलिए कॉर्बेट ने उसे नहीं मारा, क्योंकि पिछले पैर पर गोली चलाने से टाइगर मरता नहीं और 2-2 घायल टाइगर कॉर्बेट की जान के लिए खतरा बन जाते। थोड़ी देर में टाइगर वहां से चला गया। उस जगह पर जाके कॉर्बेट ने देखा तो खून के धब्बे थे, यानी वो बैचलर ही था। फिर थोड़ी दूर पर सांबर की कॉल सुनाई दी और एक टहनी के टूटने की आवाज भी सुनाई दी। वहां घनी झाड़ियां थी। कॉर्बेट जमीन पर सरकते हुए आगे बढ़े। उन्हें झाड़ी में कुछ लाल रंग दिखा। वो बैचलर का खून था। करीब 2 गज और सरकने के बाद उन्हें सामने बैचलर खड़ा दिख गया, जो उन्हें ही देख रहा था। 4 दिन से सर में गोली खाकर बैठे बैचलर में हमला करने लायक शक्ति नहीं थी। कॉर्बेट ने 2 फायर किए और बैचलर बिना आवाज किए एक साइड गिर गया, और कॉर्बेट को मिल गई उस दशक की सबसे बड़ी ट्रॉफी, बैचलर ऑफ पवलगढ़, जिसे मारना हर शिकारी का सपना था। वो टाइगर जिसे मारने के लिए कॉर्बेट ने अपनी कसम भी तोड़ दी थी। बैचलर के सर में जो गोली का घाव था वो स्किन की एक झुर्री के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन पीछे से उसने खोपड़ी में छेद कर दिया था, तभी 2 इंच की हड्डी निकलकर गिर गई थी। कॉर्बेट फिर घर आए और अपने साथ टाइगर को उठाने वाले लोग लेकर आए। उनकी बहन मैगी और कुत्ता रॉबिन भी था। जब उनकी बहन और कॉर्बेट ने टाइगर को नापा तो उसका साइज था 10 फीट 7 इंच, और इस तरह से दर्दनाक अंत हुआ एक बेकसूर बाहुबली टाइगर का। दोस्तों, ये थी कहानी बैचलर ऑफ पवलगढ़ की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।